हिंगनघाट रेलवे स्थानक के रेलवे के स्टॉपेज रद्द किए जाने से तहसील के रेल प्रवासी जनता को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। हिंगनघाट समुद्रपुर तहसील की जनता ने यहां रुकने वाले सभी रेलवे के स्टॉपेज पूर्ववत शुरू करने की मांग की है। उक्त रेलवे गाड़ियों के स्टॉपेज के लिए नगराध्यक्ष प्रेम बसंतानी की उपस्थिति में वर्धा लोकसभा मतदार संघ के सांसद रामदास तरस को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में रेलवे स्टॉपेज के साथ अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी ध्यान खींचा गया। हिंगनघाट शहर ये वर्धा शहर से भी बड़ा है और पुलगांव व वरोरा ये शहर हिंगनघाट से छोटे होने पर भी वहाँ रेलवे स्टॉपेज कोरोना संकट के बाद पूर्ववत शुरू किए गए, लेकिन हिंगनघाट ये शहर औद्योगिक शहर के लिए ख्याति प्राप्त है। यहाँ अनेक टेक्सटाइल पार्क, सुगुना उद्योग, मोहत्या उद्योग समूह जैसे महत्वपूर्ण उद्योग है। शहर की लोक संख्या भी बड़ी है और ग्रामीण तथा शहरी परिसर के विद्यार्थी शिक्षा और नौकरी के लिए पुणे, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई जाते आते रहते हैं। विदर्भ की बड़ी कृषि उत्पन्न बाजार समिति हिंगनघाट शहर में ही है। हिंगनघाट ये एक महत्वपूर्ण शहर होने पर भी गत 1.5 साल से यहाँ के रेलवे स्टॉपेज बंद किए गए हैं, जिस वजह से यहाँ की जनता को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उपरोक्त रेलवे स्टॉपेज पूर्ववत शुरू करने की मांग 19 सितंबर को सांसद तरस इनके सविस्तर विचार चर्चा कर की गई। इस वक्त नगराध्यक्ष प्रेम बसंतानी, डॉक्टर मधुसूदन गोयनका, प्रवीण सुराना, मनोज रूपारेल, महेंद्र दीक्षित और पत्रकार प्रमोद जुमड़े की उपस्थिति में ज्ञापन दिया गया। इस मांग पर जल्द ही हल निकालने का आश्वासन सांसद तरस ने दिया। दिल्ली में रेलवे मंत्री के पास प्रस्ताव देकर समस्या पर हल निकालने का आश्वासन हिंगनघाट के प्रतिनिधि मंडल को उन्होंने दिया। बीसीएन न्यूज के लिए हिंगनघाट से रवि येनोडकर की रिपोर्ट।